अभी जो ये बारिश का मौसम है और इस मौसम में एक बीमारी, एक फ्लू बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये सभी लोगों में ये जो सिम्टम्स है, ये जो बीमारी है, जो फ्लू जिसे हम कहते हैं आई फ्लू, आंख आना, जिसे हम साइंस में कहा जाए तो उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसके लक्षण, उसके कारण और उसके बचाव क्या है, इस वीडियो बताने वाले बहुत जरूरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू जिसे हम कहते हैं आंख आना, इसमें क्या होता है कि आंख की जो वाइट जितनी भी होती है, इसमें आंख की पट्टी जो है लाल हो जाती है, इससे जो है पानी का बहाव होता है, आंख जो है जब हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो चिपक जाता है और इससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है और आंख में जो है ये जो अधिक मात्रा में यहाँ पे जो है सूजन आ जाती है आंखों के लेयर में। तो ये बीमारी आप इसे नॉर्मलाइज नहीं ले, या आपके आंखों को डैमेज कर देता है। आप जान रहे, दुनिया में सबसे कीमती चीज जो आपके बॉडी में है वो आपका आंख है। जब आंख ही सही नहीं रहेगा तो आपका माइंड कैसे काम करेगा। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो आप जरूर शेयर करें। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है पहली बात तो। चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। तो आई फ्लू से आपका कैसे फैलता है मैं पहले बताऊं। सिम्टम्स क्या है कि आपके आंख लाल हो जाती है, आंख की पट्टी जो है यहाँ पे जो है लेयर सूजन आ जाती है और आपके आंख से चिपचिपा पदार्थ निकल लगता है, पानी वगैरह बहने लगता है और आपके जो है जब आप रात को सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो आंख आपका चिपचिपा जो है, आंख जो सटक सटक रह जाता है उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो ये आंखों को डैमेज कर देता है। इससे आपके जो है आंखें कारण क्या, ये कैसे फैलता है। देखिए अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु पाया जाता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आप जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उससे हमारा जो, अगर आप मान लीजिए आप गए नदी वगैरह नहाने के लिए, ठीक है, बारिश के मौसम में, तो उसमें बहुत सारे नदियों का पानी मिल जाता है, वहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है, गंदगी पानी खेतों का पानी मिलकर चला गया, तो उसमें काफ़ी बैक्टीरिया है। अब आप नहा रहे हो, जाहिर सी बात है आपकी आंखों तक वो चीज़ आएगा, आपके बॉडी तक वो सारी चीज़ें मिलने जा रही है, तो वहाँ से जो है आपको ये बीमारी फैल जाती है। आप अक्सर देखिए जो व्यक्ति कभी नहीं नहाया हो, अगर वो एक बार नदी पहुंच जाए नहाने के लिए तो बिल्कुल उसका जो है आँख फूलेगा, फूले आँखों में देखिएगा कि यहाँ पे जो है गंदगी रही जाती है, तो वहां से फैलता है। और आप जिस व्यक्ति को हुआ उसको कॉन्टेक्ट में अगर आ रहे हैं, जैसे अगर मुझे नहीं हुआ मैं जिस दूसरे व्यक्ति को हुआ तो मैं उसको कॉन्टेक्ट में आ गया तो मेरे को गया, फिर हम तीन व्यक्ति को 3 से 9, 9 से 27 फैलता चलेगा। बात समझ रहे, तो ये आई फ्लू एक तरह से जो बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसके यही कारण है कि इसी वजह से जो है ये आपको जल्दी होता है ये सारे लक्षण। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक और जब हम गलती करते हैं बहुत ही जरूरी चीज़ है कि हम बारिश के मौसम में कीचड़ से, खेत से आए या कहीं बाजार से आए, बहुत सारी चीज़ों को हमने छुया प्राथमिक, जैसे आप मान लीजिए आप बस स्टैंड गए, शौचालय वगैरह गए, तो वहाँ किसी भी चीज़ को छुया आपने, आपको छूने लग गया, तो वहाँ बैक्टीरिया है। कोविड के समय जैसे बताया ना कि आप डिस्टेंस बनाए रखो, हाथ को बार बार धो, तो इसमें भी वही आपको प्रोसेस करना है कि अपने आंखों को बार बार धोना है, ये भी काफ़ी जरूरी चीज़ है। उसके बाद क्या है कि और एक चीज़ हम लोग गलती करते हैं क्या, ये भी बारिश का मौसम है, खाना वगैरह हम लोग सही से नहीं खाते हैं, बासी वगैरह खा लिए या आपके करते हो बिना हाथ धोए साबुन से खाना खा लिए, तो वहाँ पे भी आपके बैक्टीरिया ही वाला, तो बारिश क्या है, खासकर जो गाँव में रह रहे हैं उनको ये ज़्यादा पाया जाता है ये सारी बीमारी, मैंने अक्सर देखा है मैं अपने गाँव के इधर, तो फैल क्यों रहा है कि एक व्यक्ति लेकर आया वो पूरे गांव को लेकर चला गया या पूरे घर को लेकर चला गया, तो ये एक दूसरे से फैलता है। तो आप क्या कर सकते हो इसके बचाव के लिए, आप उसका तुलिया ना लो, उसके साथ खाना नहीं खाओ, उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो 7 दिन के लिए, जिस व्यक्ति को होता है 7 दिन के लिए होता है, 7 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये आपको जो है उसके बाद क्या करना, बचाव के लिए आप डॉक्टर से जाके मिले, वहाँ पे सलाह ले, वो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप देगा, 1-1 घंटे में लेना होता है और ओनली 7 दिन 7 डेज के अंदर ही खत्म। लेकिन हाँ, जो सही से इलाज या देखते हैं जिनका ज़्यादा डैमेज हो रहा है, आप अच्छे डॉक्टरों से दिखाएं, आप बढ़िया डॉक्टरों से दिखाएं, आपको ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक आपको देंगे ड्रॉप जो 1-1 घंटा मिलेंगे तो आपसे हो जाएगा। देखिए हमारा वीडियो इस पर हम मेडिकल नहीं बनाते हैं, लेकिन हम जब देखें तो इसे कैसे बचाओ, क्या कारण, क्या लक्षण है, इस वीडियो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया तो जरूर, ये इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ये ऐसी वैसी वीडियोज नहीं है, आप अपने रिलेशंस, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो देखते हैं तो उनको पता चले कैसे फैला, क्या कमी रह जाती है हमारे अंदर, जो ये जाके बीमारी फैलती है, इसे कैसे बचाव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।